किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं क्लास 3 के लिए लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैंने 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन गिवन फिगर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 11। विच इज द लॉन्गेस्ट आइसक्रीम स्टिक, पी क्यू आर एस। सो सबसे पहले हम देखेंगे स्टिक पी। पी इज इक्वल टू हमारा ये हो रहा है 1 और इधर आ रहा है 11। तो पी इजकल टू 11 माइनस 1 इजकल टू 10 सेंटीमीटर्स हो गए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आइसक्रीम स्टिक क्यू। क्यू का हम देख लेते हैं, क्यू यहाँ 0 से लेकर यहाँ 12 तक हो गया। सो क्यू स्टिक कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपना जो है ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। क्यू के बाद हो गया आर। आर इजकल टू हमारा हो रहा है 12 माइनस 1। आर क्या हो रहा है यहाँ से देखिए, और ये यहाँ तक, तो 12 माइनस 1 इजकल टू 11 सेंटीमीटर। एंड एस इजकल टू हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। एस यहाँ से 0 से लेके ये 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। सो आइसक्रीम स्टिक क्यू इज़ द लॉन्गेस्ट। यहाँ से कौन सा सबसे लंबा हो रहा है, क्यू, तो क्यू इज़ द लॉन्गेस्ट स्टिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सम लेटर आर गिवन विच द नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑप्शन सो डैट लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। इसके अकॉर्डिंग ये नंबर दिया गया है, तो इसको हमें मीनिंगफुल वर्ड के फॉर्म में करना है। तो इससे हमारा वर्ड बन रहा है एस सी ए एल ई, स्केल। ओके, स्केल के हिसाब से हम नंबरिंग कर लेंगे। एस के लिए हमारा हो रहा है 4, सी के लिए 2, ए के लिए 5, एल के लिए 3 एंड ई के लिए 1। तो हमारा हुआ 4, 2, 5, 3, 1। 4, 2, 5, 3, 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन 21, 22, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज कंप्लीट द फिगर। इस फिगर को हमें इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, नीचे जो है इस प्रकार का राउंड हो जाएगा, ये हमारा ऐसे राउंड हो रहा है और ये इस तरह का जो है ग्रेन हो जाएगा। तो ये हमारा सेलेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये हमारा फिलअप है यहाँ तक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, फिगर एंड ऑप्शन देखना है। इसमें हम इस प्रकार इसको फिलअप कर लेंगे। ये देखिए, ये लाइन सीधी जा रही है, बीच वाली क्या हो रही है, 0x x 0 0, फिर x हो जाएगा और इधर एक एक लाइन छोड़ कर यहाँ हो रही है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, O और x और फिर 0x 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, x 0 0 x 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, x 0 0 x। ठीक है, यहाँ पे हो गया अपना 0 और यहाँ हो जाएगा x। इसके अकॉर्डिंग ये डबल हो जाएगा, ये इधर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन 23 and 24, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली सेम एज फिगर x। इसके अकॉर्डिंग सेम फिगर कौन सा है, फिगर ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इज द सेम फिगर। क्वेश्चन नंबर 24, सेम फिगर इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है, सो सेम फिगर इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन 25 एंड 26 सेलेक्ट द ऑड वन आउट. ऑप्शन ए एप्पल, बी ग्वाभा, सी चिप्स एंड डी मफलर. सो ऑड वन आउट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. फिगर इन ऑप्शन ए बी एंड सी आर ऑल एटेबल प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 26 ए सी क्यू एंड पी. इसमें हमें ऑड ऑन ऑड वन आउट निकालना है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओनली ऑप्शन ए इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली. क्वेश्चन नंबर 27 स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन. देयर आर थ्री ट्रायंगल्स, देयर आर सिक्स रेक्टेंगल्स, देयर आर फोर सर्कल्स एंड देयर आर टू स्क्वायर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. देयर आर फोर सर्कल्स, वन टू थ्री एंड फोर. क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड द मिरर फिगर. इसके मिरर फिगर हमें देखना है. तो मिरर फिगर में क्या होता है, लेफ्ट ऑप्शन जो है राइट तरफ चला जाता है. तो ये फेस इधर है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ये देखिए, ये इधर पूछ है इसकी, ये इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, इधर चली जाएगी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 29 इफ इरेजर इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर एंड फ्लोर इज कॉल्ड वॉल एंड वॉल इज कॉल्ड वेंटिलेटर, देन ऑन व्हाट विल द पर्सन स्टैंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वॉल. ए पर्सन विल स्टैंड ऑन द फ्लोर बट फ्लोर इज कॉल्ड वॉल. क्वेश्चन नंबर 30 इफ फिगर इज देन इज इक्वल टू क्या होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इसमें इस फिगर को ऐसे सीधा खड़ा किया जा रहा है और शेडेड पर्सन खाली है और देन इस प्रकार बन रहा है. इससे शेडेड पर्सन इस प्रकार हो जाएगा और ये सर्कल बन जाएगा और इस प्रकार शेडेड हो जाएगा. सो ऑप्शन करेक्ट ए. क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रेट लेटर फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. मीटर, METER मीटर इससे बन जाएगा. इसमें पूछा जा रहा है इससे कौन सा लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता. रिमोट, REMOTE ये भी बन जाएगा. डियर, दिस इज डी नहीं है इसमें. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डियर. लेटर डी इज नॉट प्रेजेंट इन जियोमेट्री सो डियर कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 32 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड. इस ये इसमें कौन सा फिगर एग्जैक्टली एम्बेडेड हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. देखिए ये जो है एम्बेडेड, सॉरी ये एम्बेडेड हो जा रहा है प्रॉपर यहाँ से और ये बीच में लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है तो ये एम्बेडेड हो जा रहा है एग्जैक्टली. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड इफ द मिरर इज प्लेस वर्टिकली टू द लेफ्ट. मिरर इमेज इसमें से कौन सा हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 34 अंकुश हैज टू डिफरेंट इरेजर एंड थ्री डिफरेंट पेंसिल. नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन इरेजर एंड वन पेंसिल फॉर्म फ्रॉम द गिवन इरेजर्स एंड पेंसिल इज. क्वेश्चन नंबर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 6. इरेजर E1, E2 एंड पेंसिल P1, P2 एंड P3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर E1, P1 एंड E1, P2, E3, P5 सो नंबर्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6. क्वेश्चन नंबर 35 इफ ABCD इज कोडेड EFGH देन PQRS इज कोडेड. इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें देखना चाहिए ये जिस प्रकार जितने लेटर्स के आगे पीछे जा रहा है नेक्स्ट वाला भी उतने ही लेटर के आगे पीछे जाता है. तो इसमें हम देख लेते हैं ABCD यहाँ हो रहा है EFGH
ए बी सी डी ई प्लस फोर सब में आ रहा है. सो इसमें आपका हो जाएगा पी क्यू आर एस. तो इसमें फोर लेटर के बाद हो जाएगा पी क्यू आर एस टी. टी हो जाएगा इसके बाद यू वी एंड डब्ल्यू. प्लस फोर लेटर हर वर्ड के प्लस फोर ऐड करेंगे तो वो लेटर हमें प्राप्त होगा. सो करेक्ट आंसर इज टी यू वी डब्ल्यू. टी यू वी डब्ल्यू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.